हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम, जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स किरकप। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया है, यानी कि भाईचारे का मैसेज दिया है। पोएट हमसे कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अलग नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता है, वो हम इंसान ही हैं जिन्होंने ये सब डिफरेंसेस क्रिएट किया है। फिर पोएट जो है वो हमें एग्जाम्पल देते हैं नेचर का, कि नेचर ने हमें एक जैसा ही सनलाइट, एयर, वाटर सबको दिया है, सब लोग जो है वो इसी अर्थ पर रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को अलग कहते हैं। तो ये सब हमने ही क्रिएट किया है और कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं होता है। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेंज नहीं होता, यानी कि अजनबी नहीं होता है, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होती है, यानी कि कोई भी कंट्रीज जो है वो बाहर की नहीं होती हैं। फिर पोएट जो है वो कहते हैं कि सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर पोएट जो है वो आर्मीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो है वो आर्मी के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है जो कि आर्मीज़ के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि हर एक कंट्री के बॉर्डर्स पर आर्मीज़ जो है वो आपस में फ़ाइट करते रहते हैं, लेकिन उन सभी के यूनिफॉर्म्स के अंदर एक इंसान है, एक सिंगल बॉडी है जो हमारी ही तरह सांस लेता है। यानी कि अगर तुम्हारे सामने एक सोल्जर है, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, उसके पास भी तुम्हारी ही तरह एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है जो तुम्हारी ही तरह सांस लेता है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया की ज़मीन हो या फिर किसी और कंट्री की ज़मीन हो, और इन सब लैंड्स को हमने डिफरेंशिएट किया है, हमने इन्हें बांटा है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये मदर अर्थ की है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर हमारे ब्रदर्स चलते हैं वो इसी अर्थ की है। तो यहाँ पर पोएट ने सभी कंट्रीज़ के लोगों को ब्रदर्स कहा है, किसी को भी उन्होंने फॉरेनर नहीं कहा है। फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हम सभी लोग इसी ज़मीन के अंदर दफन हो जाएंगे, हम इसी ज़मीन के अंदर जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि हम इसी अर्थ पर चलते हैं और मरने के बाद इसी अर्थ में मिल जाते हैं, फिर क्यों हम एक दूसरे को फॉरेनर बुलाते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में दे वर्ड जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि वो लोग भी सन, एयर, वाटर के बारे में जानते हैं, यानी कि उन लोगों को भी सन, एयर और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि नेचर ने हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं किया है। ये नहीं है कि यहाँ पर सूरज उगता है तो दूसरे कंट्रीज़ में नहीं उगता, नहीं, सभी कंट्रीज़ में एयर, वाटर और सन होता है, लेकिन ये सब जो डिफरेंशिएशन है ये सब हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने कंट्रीज़ को डिवाइड किया, यानी कि लैंड को डिवाइड करके कंट्रीज़ बनाया है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि सबके साथ सेम सिचुएशन है, यानी कि अगर पीसफुल कंडीशन है और हार्वेस्ट यानी कि खेती अच्छी होती है तो सबको पेट भर के खाना मिलता है, वहीं अगर किसी कंट्री में वॉर चल रहा है यानी कि युद्ध चल रहा है तो लोगों को भूखा रहना पड़ता है, और अगर विंटर्स में फसल खराब हो जाए तभी भी लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो हर जगह सिचुएशंस जो है वो सेम है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि जिस तरह से हम मेहनत करते हैं ठीक उसी तरह से वो लोग भी मेहनत करते हैं। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि याद रखो, उनके पास भी आंखें हैं जो सोती और जागती हैं, और वो कहते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ है जिसे हम लव से जीत सकते हैं, यानी कि उनके पास जो स्ट्रेंथ है उसे हम प्यार से जीत सकते हैं, तो फिर हम ये युद्ध क्यों करते हैं, ये वॉर की ज़रूरत नहीं है। और फिर पोएट जो है वो कहते हैं कि हर जगह पर कॉमन लाइफ है, यानी कि एक जैसा ही लोग जीवन जीते हैं, और अगर हम चाहें तो उन सभी को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि याद रखो, अगर हमें कोई कहता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करो यानी कि उनसे नफरत करो, तो ये हमारा ही नुकसान है। यानी कि यहाँ पर ब्रदर्स जो है वो दूसरे कंट्री के लोगों को कहा गया है,
तो पोइट जो है वो कहते हैं कि जब भी हमसे कोई कहता है कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ युद्ध करो, उन्हें हेट करो, तो याद रखो कि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जब भी हमसे कोई कहता है कि अपने ही ब्रदर्स को हेट करो, तो याद रखो कि हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी कि हम अपनी ही किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं और अपनी ही निंदा कर रहे हैं। फिर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि याद रखो, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो वो हमारी मदर नेचर ही है जिसे हम पल्यूट करते हैं। हमारी मदर नेचर ही है जो पल्यूट होती है, यानी कि जब भी वॉर होता है तो डेड बॉडीज़ का ढेर लगता है, जिसकी वजह से हमारी मदर नेचर जो है वो इम्प्योर होती है। और जब भी वॉर होता है तो उसमें बॉम्ब वगैरह फूटते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ख़राब गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर को पल्यूट करती हैं, और हम इंसान अपनी ही हवा को खुद ही पल्यूट कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो इनोसेंस एयर है, यानी कि जो प्योर एयर है, उसे हम पल्यूट कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट लाइन फिर से पोइट कहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, यानी कि अजनबी नहीं है।